नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता हाजिर हूँ आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। और आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर ज्यादातर दोस्त जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं या थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं वो भ्रम की स्थिति में रहते हैं। और टॉपिक इसके ऊपर मैं पहले भी कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज के टॉपिक में मैं खुलकर जो भी शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है चर्चा करने जा रहा हूं। और टॉपिक है सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग। नॉर्मली हम सब ने तीन तरह के विपरीत राजयोगों के बारे में सुन रखा, हर्ष, सरल और विनोद। विपरीत राजयोग कुंडली के जो विपरीत भाव हैं उनके स्वामी इसको बनाते हैं, जो कि त्रिक भावों के स्वामी होते हैं 6, 8, 12। कहा गया है कि इन भावों के स्वामी इन्हीं भावों में से किसी एक भाव में बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। और काफी जातक हैं जिनको पंडित जी कह देते हैं कि आपके चार्ट में विपरीत राजयोग है, बस डरने की जरूरत नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट कोई राजयोग बनाए वो अपना फल तभी देता है जब उसकी दशा आए। तो पंडित जी ने बता दिया चार्ट में विपरीत राजयोग है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है जातक को, बस दशा आने दीजिए। दशा आ जाती है, स्थितियां और बिगड़ जाती हैं और जातक हाथ मलता रह जाता है कि मेरे चार्ट में तो पंडित जी ने विपरीत राजयोग बताया था लेकिन हुआ बिल्कुल उसके भी विपरीत। जैसे मैंने कहा कि हम ज्यादातर यही जानते हैं कि 6, 8, 12 इन भावों के स्वामी विपरीत राजयोग बनाते हैं जिनका नाम हर्ष, सरल और विमल ऐसा है। लेकिन शास्त्रों में फल दीक्षा में यह लिखा हुआ है कि विपरीत राजयोग का कारण बनने के लिए विपरीत भावों के स्वामी के साथ पाप ग्रह का या क्रूर ग्रह का संबंध आना लाजमी है। उन्होंने कहा कि जैसे कि हर्ष विपरीत राजयोग 6 भाव का स्वामी 8 या 12 में आ जाए, बनने के लिए केवल पाप या क्रूर ग्रह को 6 भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाना लाजमी है। लेकिन चार्ट में दोस्तों 6, 8, 12 भाव ही विपरीत भाव नहीं होते, 3rd भाव भी विपरीत भाव की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये भाव जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष को पैदा करता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है यदि इस भाव के स्वामी की दशा आ जाए या इस भाव में बैठे हुए प्लैनेट की दशा आ जाए। तो मतलब अब विपरीत भाव जो श्रेणी है उसमें 4 भाव आ जाते हैं, 3rd, 6th, 8th, 12। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि 3rd का स्वामी 6, 8, 12 में आ जाए तो विपरीत राजयोग, 6th का स्वामी 3rd, 8, 12 में आ जाए तो विपरीत राजयोग, 8th भाव का स्वामी 3rd, 6, 12 में आ जाए तो विपरीत राजयोग, और 12th का स्वामी 3rd, 6, 8 में जाए तो विपरीत राजयोग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों ये जो राजयोग है ये बिल्कुल ही नॉर्मल राजयोग की श्रेणी ना मात्र जिसे कह दीजिए कि कुछ भी इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने टाइटल में लिखा सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग, तो शास्त्रों ने कहा कि भाई यदि विपरीत राजयोग आपको आपके चार्ट में देखना है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। उनमें पहली शर्त वही जो हम बात कर चुके हैं कि विपरीत भाव का स्वामी लगन के दूसरे विपरीत भाव में हो, जैसे कि हमने कहा कि 3rd का स्वामी 6, 8, 12 में आ जाए या 6th का स्वामी 3rd, 8, 12 में आ जाए या 8th का स्वामी 3rd, 6, 12 में या फिर 12th का स्वामी 3rd, 6, 8 में आ जाए। ये पहली शर्त है नॉर्मल, लेकिन बाकी की शर्तों को सभी इग्नोर कर देते हैं। दूसरी शर्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, किसी भी विपरीत भाव का स्वामी भी अपने से विपरीत भाव में हो। मतलब यहां पर अब देखिए 3rd भाव का स्वामी यदि 6 में आ जाएगा तो लगन से 3rd विपरीत हुआ लेकिन 3rd से 6th विपरीत नहीं हुआ, वो 4th बनता है। काउंट करेंगे 3rd, 4, 5 और 6, 4th भाव बना।
तो वो शर्त जो है सेकंड वो यहाँ पर लागू नहीं होती। लेकिन यदि थर्ड का स्वामी एट में आ जाएगा तो वो शर्त लागू हो जाएगी, क्योंकि थर्ड से एट सिक्स बनता है। लेकिन थर्ड को आप ट्वेल्व में प्लेस कर दीजिए, थर्ड भाव के स्वामी को, शर्त कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि वो वहां से टेंथ बनता है। तो कहने का मतलब जो ये लगन से विपरीत भाव है, ये अपने भाव से भी विपरीत भाव में जाने चाहिए। इसी तरह आप सिक्स भाव की बात कर लीजिए, यदि वो एट में जाएगा तो वो लगन से सिक्स विपरीत है और सिक्स से एट थर्ड बना विपरीत भाव है, तो ये शर्त लागू होती है। लेकिन यदि आप सिक्स को ट्वेल्व में प्लेस कर देंगे तो वो सेवन बनता है, या सिक्स को आप थर्ड में प्लेस कर देंगे वो टेंथ बनता है, तो शर्त कंप्लीट नहीं होती। इसी प्रकार एट की बात कर लीजिए, एट को ट्वेल्व में प्लेस करेंगे तो वो फिफ्थ बनता है, थर्ड में करेंगे एट से एट बनता है, सिक्स में करेंगे वो इलेवन बनता है। तो एट भाव का स्वामी थर्ड में जाए, एट भाव लगन से भी विपरीत हुआ और अपने एट भाव से एट वो भी विपरीत हुआ। तो कहने का मतलब कि विपरीत भावों के स्वामी लगन से दूसरे विपरीत भाव में जाए, और दूसरी शर्त वो अपने से विपरीत भाव में जाए, तीसरी शर्त उनका संबंध पापी या क्रूर ग्रहों के साथ होना लाजमी है। अब देखिए, ये भावों के स्वामी बुरे होते हैं, यदि वे पावर में आ जाएंगे तो जीवन में आपको संघर्ष, परेशानी, रोग, कर्जा, एक्सीडेंट सब कुछ देंगे। इनका दुश्मन का हमेशा कमजोर होना ही हमारे लिए अच्छा होता है। और लास्ट जो शर्त चौथी है वो ये है कि इनकी प्लेसमेंट जब वे, जैसे कि थर्ड का स्वामी एट में चला जाए, तो यदि वो थर्ड का स्वामी एट में जाता तो वो या तो अपनी शत्रु राशि में जाए या उसे नीच कर दीजिए, बिल्कुल उसे खत्म कर दीजिए, तभी वो सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। अब दोस्तों ये भी बात सही है कि ये जरूरी तो नहीं है कि हर चार्ट में जो ये स्वामी इनका संबंध पाप या क्रूर ग्रहों के साथ हो, ठीक है ना। आमतौर पर देखा गया है कि जो ये विपरीत भावों के स्वामी हैं, इनका संबंध पापी और लाभकारी ग्रह के साथ भी हो सकता है, दोनों के साथ। लाभकारी जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध या पक्ष बलि चंद्रमा, तब भी ये अच्छी स्थिति प्रदान करते हैं। लेकिन वहां पर हमें पापी और लाभकारी की ताकत की या उसकी स्थिति जो है वो इस मुद्दे को क्लियर करेगी कि ये पाप संबंध में है या शुभ संबंध में है। ये भी हो सकता है कि जो ये विपरीत भावों के स्वामी हैं, ये दूसरे विपरीत भाव में जाकर उच्च भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा मजबूत विपरीत योग में भी हो सकते हैं, तब ये उस भाव के फलों में बढ़ोतरी कर देंगे। जैसे कि मान लो सिक्स भाव का स्वामी एट में, मतलब मंगल हो और मंगल को एट में उच्च कर दीजिए और उसके साथ पापी या क्रूर ग्रहों का संबंध बना दीजिए, अब ये सिक्स भाव के फलों में बढ़ोतरी कर देगा। लेकिन यदि विपरीत भाव का स्वामी जो विपरीत भाव में उच्च हो, यदि वह किसी शुभ भाव का कारक होगा तो उस भाव के फलों को अच्छा कर देगा। इसके अलावा यदि विपरीत भाव का स्वामी राहु, केतु या गुलिका का स्वामी हो और खुद विपरीत भाव में प्लेस हो और शुभ संबंध आ जाए, तो भी ये उस भाव की जो समस्याएं हैं जीवन में पैदा कर देगा। अब यदि चार्ट में सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है तो उसका फल तभी मिलेगा जब उस राजयोग को बनाने वाले ग्रह की दशा आएगी। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी के चार्ट में यह सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है तो दोस्तों ऐसे विपरीत योग बनाने वाले जो ग्रह होते हैं वो जीव तत्व की हानि करते हैं, उसे बढ़ावा नहीं देते। तो आशा करता हूं कि आप दोस्त अच्छी तरह समझे होंगे कि एक्चुअल में जो सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग बनता है वो किस प्रकार बनता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छी तरह इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग किस प्रकार बनता है। सबसे पहला चार्ट मैं ले रहा हूं यहां पर ईवा ब्राउन का, 1912 में जर्मनी में इनका जन्म हुआ।
तुला लगन का चार्ट है। इस चार्ट में यदि देखेंगे एट भाव का स्वामी शुक्र जो है थर्ड भाव में चला गया। एट भाव लगन से विपरीत और एट भाव का स्वामी अपने से विपरीत एट भाव में चला गया, मतलब थर्ड में। अब यहां पर शुक्र का ना तो किसी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह के साथ युति है, ना ही किसी का एस्पेक्ट आ रहा है, और ना ही किसी शुभ ग्रह की युति या एस्पेक्ट आ रहा है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें, सेकंड भाव में गुरु बैठा हुआ है, फोर्थ भाव में मरकरी और सूर्य है। मरकरी इस चार्ट में 5 डिग्री का है, सूर्य यहां पर 23 डिग्री का है, मतलब सूर्य मरकरी से आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वीनस है ये शुभ कर्तरी में आ गया। इसका मतलब इस चार्ट में सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं हुआ। इन्होंने 30 अप्रैल 1945 को हिटलर के साथ ही सुसाइड कर लिया था। अब एक नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं, मोरारजी देसाई का। भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मिथुन लगन का चार्ट है इनका। और इनके चार्ट में जैसे हमने बात की थी कि सिक्स भाव का स्वामी एट भाव में मार्स जो है उच्च का हो गया, लेकिन मार्स यहां पर वीनस और मरकरी जो कि शुभ प्लैनेट है उनके साथ युति में है और गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है। तो इस चार्ट में भी हम कह सकते हैं कि सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग नहीं बना। वो अलग बात है कि टेंथ भाव का स्वामी गुरु जो है सेकंड भाव में है और अपने ही टेंथ भाव को देख रहा है। अब इसी प्रकार एक तीसरा चार्ट ले लेते हैं, टिम रॉबिन्स इनका, 1958 का इनका जन्म है, सिंह लगन का चार्ट है। इनके चार्ट में एट भाव का स्वामी, एट भाव में केतु बैठा हुआ है, जुपिटर जो है वो थर्ड भाव में चला गया और मरकरी के साथ है। इस चार्ट में भी किसी बुरे पापी या क्रूर ग्रह का संबंध नहीं आ रहा, सिर्फ अच्छे भाव का संबंध आ रहा है। तो इस चार्ट में भी हम ये कहेंगे कि इस चार्ट में भी सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं है। नॉर्मल विपरीत राजयोग है कि उसका स्वामी वहां पर चला गया। सबसे बढ़िया चार्ट मुकेश अंबानी जी, जिसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, तुला लगन का चार्ट है। इनके चार्ट में यदि देखें ध्यान से, थर्ड भाव का स्वामी, सिक्स भाव का स्वामी, गुरु जो है एट भाव में एमनी साइन में है, वृषभ राशि में है, और गुरु के साथ कोई भी किसी भी शुभ या पाप या क्रूर ग्रह का संबंध नहीं आ रहा। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं इनकी धन दौलत के बारे में कि कितने ये अमीर इंसान है, कितने बड़े अच्छे उद्योगपति। तो कहने का मतलब ये 3-4 चार्ट कोशिश करूंगा किसी और वीडियो में कुछ और चार्ट को भी आपके साथ में डिस्कस करूं, किस प्रकार हम देख सकते हैं किसी चार्ट में कि सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ या नहीं हुआ। और फल हमेशा निर्माण करने वाले ग्रह की दशा में ही मिलते हैं, और यदि निर्माण हो जाए तो ऐसा योग जो है सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग इंसान को एक ऊंचा मुकाम, ऊंची पदवी, नेम, फेम, धन दौलत, शोहरत सब कुछ प्रदान करता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छा लगा हो। जिस रूल के बारे में, जिस शास्त्रों में जो लिखा है, मैंने वही बात की आप लोगों से, क्योंकि तो इस रूल को लेकर काफी ज्यादा भ्रम की स्थिति जो थी देखी जा रही है। नॉर्मली फेसबुक पर भी या जिससे भी बात करो कि मेरे चार्ट में यह विपरीत राजयोग, वो विपरीत राजयोग जो हम बात करते हैं वो नॉर्मल विपरीत राजयोग है दोस्तों। यदि एक सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग चाहिए तो उसके बारे में जो हमने यहाँ पर चर्चा की आपके चार्ट पर वो लागू होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने कमेंट, अपने विचार रख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक और नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।